पिहोवा में हल्के से भाजपा के विभिन्न संगठनों में चार भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्यकारिणी मनोनीत किए जाने की खुशी में भारतीय अटल सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दीक्षित व समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज पंजाबी धर्मशाला में स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के विभिन्न संगठनों में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए तेजेंद्र सिंह गोल्डी माजा फार्म एवं कार्यकर्ता तिलक राज संधोला को जहां भाजपा किसान मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। गांव थाना निवासी एवं भाजपा कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा में जिला सचिव पद पर तैनात विंकल कुमार चौबे धनीरामपुरा को भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ में जहां प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वे पूर्वांचल प्रकोष्ठ में ही प्रदेश आईटी सेल में सह संयोजक पद देकर विशेष सम्मान दिया गया है। कार्यक्रम में मौजूद चारों प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ एवं खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त किया है। पदाधिकारी तेजेंद्र गोल्डी विंकल चौबे धनीरामपुरा मांगेराम कौशिक व तिलक राज संधोला ने संयुक्त रूप से कहा कि वे भाजपा के प्रति पूरी निष्ठा व लगन के साथ पार्टी में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसके साथ अपने संगठनों में वे पार्टी की नीतियों से अवगत करवाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़कर मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हल्का विधायक एवं खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा हल्के में करवाए जा रहे विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों ने चारों नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी सदस्यों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने 10 तारीख को पिहोवा में निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए सभी लोगों व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन गुरनाम मलिक, पूर्व वाइस चेयरमैन सतीश सिंगला, बलबीर राणा, तुलसीदास वर्मा, राकेश दीक्षित, अर्जुन त्यागी, केशव सिंगला, सुखदेव ककराली, बलबीर गुर्जर, धर्मपाल, नरेश गढ़ी रोड़ान, बंटी दीवाना, रामपाल मलुक सिंह, रमेश रोड खानपुर, शादी राम किजरपुरा, निर्भय चावड़ा, अशोक गुर्जर, अरनाचा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऐसा जी पार्टी ने मेरे को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया। मैं पार्टी का धनखड़ जी का, डॉक्टर संजय शर्मा जी का और वेदपाल जी का, डॉक्टर पवन सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक समझ के पार्टी का पद दिया प्रदेश में। और उसके बाद मेरे को जिला के अंदर जिला उपाध्यक्ष जनरल बॉडी में बीजेपी में बनाया, तो मैं अपना जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और पार्टी ने जो हमारे को जिम्मेवारी दी है इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। और पार्टी को जैसे भी यहाँ हमारे एक दिक्कत आ रही है भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो निराश होकर बैठे हैं, उनको सबसे संपर्क करके उनको पार्टी में दोबारा से खड़ा करके। हाँ जी विकल जी, आपको पूर्वांचल प्रकोष्ठ का जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का और प्रदेश संयोजक सुजीत कैमरी जी का और हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी का और संगठन के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इस लायक समझा। इसके लिए मैं पार्टी का, संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आदरणीय खेल मंत्री जी संदीप सिंह जी की अगुवाई में जो कार्य हो रहे हैं इसका भी मैं बहुत सराहनीय कदम कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से खेल के अंदर विकास हो रहा है, हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं और ये हमारी जो नई खेल नीतियों के अनुसार इन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, इसके लिए मैं खेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जय हिंद। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप, क्या बनाया आपको पार्टी ने? सबसे पहले तो मैं किसान मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संगठन द्वारा बनाए जाने पर पूरे संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष तौर पर सेवा मंडल के अध्यक्ष भाई राकेश पुरोहित जी, जिला के अध्यक्ष श्री राजकुमार सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और किसान मोर्चा के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भाई सुखविंदर सिंह जी सोरान जो बाडरा से पूर्व विधायक हैं, बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय श्री जयसिंह पाल जी वाइस चेयरमैन डीएनटी बोर्ड का, महिपाल ढांडा जी जो हमारे प्रभारी हैं किसान मोर्चा के, उन सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी का जिन्होंने हमारे पिहोवा में आके इलेक्शन लड़ा और हमें MLA के रूप में अपने जीवन में पहला विधायक देखने का मौका मिला और खेल मंत्री हमारे पिहोवा के बनने से इस पिहोवा के युवाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो चाहे वो दूसरे विकास कार्य हों। और किसान को मिलने वाली सभी योजनाओं को मैं
अपने क्षेत्र में लेके जाऊंगा और इसी प्रकार से संगठन का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे अजीज मित्र गोल्डी बाबू जी, तिलकराज जी और चौबे जी और अपने शर्मा जी, जो अभी पार्टी के अंदर जिम्मेदारी मिली है उसके लिए हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और हमारा जो सामाजिक संगठन है भारतीय अटल सेना, उसकी तरफ से हमने इनका स्वागत किया और हम चाहेंगे कि भाई दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें और पार्टी को और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और आगे बढ़ने की इनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे राहुल राणा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, डॉक्टर संजय शर्मा जी ने और भारतीय जनता पार्टी संगठन हमारे पेवा से विधायक एवं हरियाणा सरकार में मंत्री सरदार संदीप सिंह जी, मैं सभी का पहले तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो मुझे छोटे से कार्यकर्ताओं को प्रदेश में, प्रदेश की टीम में मेरे को जिम्मेवारी दी और यह मान सम्मान किया, यह सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है। हम सब मिलकर के पार्टी को मजबूत करेंगे और 10 आने वाली 10 तारीख को तिरंगा यात्रा जो पेवा के अंदर निकाली जा रही है शहीदों के सम्मान में, उसमें सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। सभी से मैं आह्वान भी करता हूँ कि आने वाली 10 तारीख को इस तिरंगा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लें और इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर नंबर हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।